नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है रूट के अंदर 19+8√3 बटे 7-4√3 को सरल कीजिए, यानी इस प्रश्न को हमें सरल करना है। अब यह प्रश्न रूट वाला है तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके ऐसे गुणनखंड हो सकेंगे कि इसमें फॉर्मूला बन जाए। तो 19 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, कौन कौन में, 16 में और 3 में। 16 और 3 मिलके हमारा क्या होगा, 19 होगा, प्लस यहाँ पर तो 8√3 ही रहेगा। नीचे हम देखते हैं 7 है, 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3 में, 4 और 3 3 मिला के क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, और माइनस का क्या हो जाएगा, 4√3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, रूट जैसा लगा है वैसा ही लगा रहेगा अभी तक। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब लगा है 3, 3 को हम ले सकते हैं 3√3 का स्क्वायर। अब है प्लस का 8, 8 को क्या ले सकते हैं, 4 × 8, यानी 2 × 4 दिया हमने, 4 × 8 हो गया, और यहां पर √3 था तो √3 लिख दिया। नीचे देखते हैं, नीचे यहां पर 4 है, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 4, प्लस 3 लिखा था तो यहां √3 का स्क्वायर, प्लस अब यहां पर माइनस था तो माइनस लगा दिया, 4 है, 4 को लिख दिया हमने 2 × 2, √3 तो इसके साथ में है ही। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करें, कैसा फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab, और नीचे a² + b² - 2ab, ए वाला फॉर्मूला यहां पर बन गया। तो लगा देते हैं, ऊपर क्या बना, a + b² ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है √3, इसका स्क्वायर बन गया। नीचे कौन सा बना, a − b² ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है −√3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, यहां हो जाएगा 4+√3/2 − √3² स्क्वायर से रूट आसानी से कट जाता है। जो बचा हम इधर सॉल्व कर देते हैं, क्या बचा यहां से, ऊपर बचा हमारा 4+√3 और नीचे बचा 2 − √3, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करना है तो जब नीचे रूट आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2+√3, और नीचे भी हो जाएगा 2+√3। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, 4 का 2 में होगा तो क्या आएगा, 8, प्लस 4 का √3 में होगा तो क्या आएगा, 4√3, √3 का 2 में होगा तो क्या आएगा, 2√3, √3 का √3 में होगा तो क्या आ जाएगा, 3। नीचे देखते हैं, a − b और a+b वाला फॉर्मूला बनेगा, यानी a² − b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और b की वैल्यू कितनी है, √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1। ऊपर देखते हैं, 8 यहां पर है और 3 यहां पर है तो क्या बच जाएगा, 11, 4√3 और 2√3 दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6√3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया, और आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं,
तो आपको पता चल गया होगा हमने स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसानी से और बहुत ही धीमी गति से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अवश्य समझ में आया होगा और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।